गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केमचो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। संडे को थोड़ा सा मैं लेट आता हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि संडे को जो है थोड़ा सा जो है वो देर तक सोने का मौका मिलता है। कई बार शनिवार को रात को पार्टी होती। कल मैं रात को जो है एक हमारे परिचित हैं, उनका बर्थडे था और बड़ा अच्छा सा पार्टी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था यहाँ पर एक बड़े होटल में। तो रात को हम लोग वहाँ गए हुए थे। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि वहाँ पर जो है मुझे तीन बच्चे मिले हुए यहाँ पे, जो उन्हीं के परिवारों में से बच्चे थे। तीनों के तीनों जो है वो यहाँ पर KEM मेडिकल कॉलेज है मुंबई के अंदर, उस मेडिकल कॉलेज के अंदर वो पढ़ रहे थे। और तीनों के तीनों जो है वो मेरे स्टूडेंट निकले, है ना। वो मुझे पहचान गए। उन्होंने कहा, सर हम आपसे बायोमेंटर से पढ़े हुए हैं, है ना, हम यूट्यूब पे देखते थे, उसके बाद फिर हमने ऐप पर भी टेस्ट दिए, है ना। मन को बड़ा अच्छा लगा कि एक पार्टी यहाँ पर तमाम सो कॉल्ड जो है बड़े इन्फ्लुएंट लोग प्रेजेंट थे वहाँ पर। क्योंकि मेरे दिमाग में ये परसेप्शन था कि मेरे अधिकांश बच्चे जो है वो बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, यहाँ से हैं और महाराष्ट्र के भी इंटीरियर एरियो से बच्चे हैं। मतलब मेरे लिए ये बड़ा आश्चर्यजनक था कि एकदम हाई एफ्लुएंट क्लास का भी बच्चा, जो यहाँ की मुंबई की कोई भी ऐसी कोचिंग ना हो जिसको वो अफोर्ड ना कर पाता हो, वो बच्चा भी मुझसे पढ़ा। ठीक है, मैंने एक ही क्वेश्चन किया कि बेटा तुमने मुझसे क्यों पढ़ा जब मुंबई के अंदर तुम्हारे पास तो सब कुछ यहाँ अवेलेबल था। यहाँ बॉम्बे में कोचिंगों की फीस 4-4, 5-5 लाख रुपए फीस है कोचिंग क्लासेस की। ठीक है, और तो उसने कहा, सर मैं वहाँ एडमिशन लिया था लेकिन क्या है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कॉन्सेप्ट जो क्लैरिटी बराबर नहीं थी। सिर्फ आते थे क्लास में बोलकर चले जाया करते थे। तो उस कॉन्सेप्ट जो क्लैरिटी के लिए मैंने जो है वो बायोलॉजी में पूरे के पूरे आपके वीडियोस देखे। मैंने पहले यूट्यूब पे देखे, फिर मैंने ऐप पर आके देखे। और केमिस्ट्री के लिए मैंने जो है संजय सर का के वीडियोज़ देखे मैंने, क्योंकि उनमें बहुत क्रिस्प था, काम का कॉन्टेंट था, उसमें रेंडम इधर उधर की बातें नहीं थी, उसमें वो देखा मैंने। और कुछ हिस्सा मैंने अमर सर का देखा, क्योंकि उनके यहाँ पे जो फिजिक्स के टीचर होंगे वो भी अच्छे टीचर होंगे कोचिंग के अंदर। तो कुछ हिस्सा मैंने अमर सर का देखा, जिससे मैंने जो है वो कई कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किए। बड़ा अच्छा लगा मन को जानकर कि बच्चे जो है वो, मतलब जबकि आपको बता दूं मैं कि वो उन उस परिवार का बच्चा है जहाँ पर अब इसी से नया लगा लीजिए, जो पार्टी थी वो एकदम बड़े 5 स्टार का भी जो लेविश वर्जन होता उसके अंदर पार्टी थी। खैर, तो बड़ा मन को बड़ा अच्छा लगता है कि जब बच्चे जो है वो आपको रिकग्नाइज करते हैं, आपके एफर्ट्स को वो पहचानते हैं। लेकिन मुझे कुछ बच्चों ने बोला कि सर हमने आपका जो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है आपके ऐप में जो कमांड सेंटर का, और आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया इसके ऊपर। मैं वीडियो बनाऊंगा बेटा, क्योंकि अभी मेरे लिए प्रायोरिटी वो है जो नीट 2024 वाले बच्चे हैं उनका कोर्स पूरा होने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। पीछे मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, वायरल फीवर हो गया, आपको पता है उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा मेरा। ठीक है, तो मेरे को मतलब बीपी मेरा थोड़ा सा हायर साइड रहने लगा, तो मेरा मेडिकेशन चल रहा है, अभी मैं दवा ववा ले रहा हूँ मैं। तो फिर जुकाम भी ऐसा हो रहा है इस बार, जो इन्फ्लुएंजा फैल रहा है वो 5-7 दिन तक आपको परेशान करता है। तो मेरी प्रायोरिटी वही कि जो नीट 2024 वाले बच्चे उनका कोर्स जो नए रिकॉर्डिंग्स है पूरे वो समय पर पूरे हो, और क्रैश कोर्स की जो प्लानिंग है वो समय पर पूरी हो। तो वो प्रायोरिटी के चलते थोड़ा सा वीडियो डिले हो गया उसमें। तो एक आध वीक जो लगेगा इस कमिंग वीक में, मैं जो है वो कमांड सेंटर के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपको दूंगा। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कमांड सेंटर मतलब ये कि मेरा घर। ठीक है, मतलब मेरे दिल के करीब मेरा घर, मतलब जितने बच्चे कमांड सेंटर में पढ़ेंगे वो सब मेरे डायरेक्ट केयर में होंगे। और हम बहुत बच्चे नहीं ले रहे हैं, हम बहुत सारे बच्चे नहीं ले रहे हैं, हम लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चों को ले रहे हैं, ताकि हर एक बच्चे की हर एक समस्या को हम समझ सके, उस पर ध्यान दे सके। हमें कोई बहुत बड़ा कमर्शियल कोचिंग क्लास नहीं बनाना है, हमको एक रिस्पॉन्सिबल और एक रिजल्ट देने वाला क्लास बनाना है हमको। ठीक है, ये हमारा पर्पज़ है। दूसरा पर्पज़ ये है कि बच्चों ने बोला, सर इसकी फीस हमको बहुत ज़्यादा लग रही है। तो बेटा देखो, ऐसा है कि उसमें एक कंपोनेंट GST का है, एक कंपोनेंट उसमें जो है वो नॉन रिफंडेबल, एक रिफंडेबल ट्यूशन फी वाला कंपोनेंट है। जो ट्यूशन फी वाला कंपोनेंट है उसमें जब आप स्कॉलरशिप टेस्ट दोगे तो वहां आपके टेस्ट के स्कोर के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो जितना फीस लिखा उतना फीस पूरा पे नहीं करना पड़ेगा। आप अच्छे से करके आएंगे स्कॉलरशिप टेस्ट में तो अच्छा होगा। अब स्कॉलरशिप टेस्ट में क्या होगा, उसमें बेसिकली आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा कि आपको बेसिक्स आपके कितने क्लियर है। बेसिक्स क्लियर होंगे तो हमको रिजल्ट की पॉसिबिलिटी, हमारे लिए रिजल्ट अच्छा करने की संभावनाएं बढ़ेंगी। ठीक है ना, बेसिक्स अच्छे नहीं होंगे तो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमारी टीम को।
तो उससे जाहिर सी बात है कि जो ट्यूशन फी है उसके कंपोनेंट में वेरिएबिलिटी देखने मिलेगी आपको। मान लो किसी को 80% स्कॉलरशिप मिलता है तो उसको 60-70 हज़ार रुपये कम फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है, जो 64,000 मान लीजिए आप 8x8 मतलब 64,000 रुपये फीस कम पे करनी पड़ेगी। जब इधर ये फीस कम होगी तो जीएसटी का कंपोनेंट भी कम होगा, वो जीएसटी तो टोटल अमाउंट के ऊपर लगता है 18%। तो मतलब उसको देख के डरिए मत, उसको देख के क्योंकि देखो जेन्यून बात यह है कि हॉस्टल फी में कोई कुछ नहीं करता। हॉस्टल की जो फीस है भाई रहने की खाने की वो आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। क्लासेस की जो फीस है उसमें देयर इज ए फिक्स कंपोनेंट जो आपको जो नॉन रिफंडेबल कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट जो वेरिएबल कंपोनेंट है जो ट्यूशन फी के नाम पे, ठीक है। तो वहां पे वेरिएबिलिटी देखने मिलेगी। फिर कुछ बच्चे यदि पहली इंस्टॉलमेंट पूरी भर देते हैं तो उनको मान लो नीट 2024 का में उनका 500 नंबर मिल गया बच्चे को, ठीक है, और मान लो कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका स्कॉलरशिप नीट के आधार, आपके पास दोनों चॉइस है, टेस्ट के थ्रू या नीट के स्कोर के थ्रू। नीट के स्कोर के थ्रू भी अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी। मतलब मेरा पर्पज बहुत सारा पैसा बच्चों से लेना नहीं, मेरा पर्पज है जिम्मेदार बच्चे जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे अंदर आए। मतलब ऐसा ना हो कि कोई तो भी आ जाए फिर बाद में आके जो है वो माहौल में नेगेटिव असर पड़े, क्योंकि ये तो आर्मी समान एक कैंप है। 9 महीना समझ लीजिए कि आर्मी के कैंप में पहुंच गया आप, ठीक है। तो जो बायोमेट्रिक का कमांड सेंटर है उसका यूनिफॉर्म, उसका सारा कल्चर, सारा सिस्टम, एवरीथिंग इज सिमिलर टू दी डिफेंस फोर्सेस के, आर्मी नेवी और जो एयरफोर्स है उसके समान डिसिप्लिन वहां पर है। तो जो डिसिप्लिन में नहीं रह सकता है, जो नियमों को नहीं मान सकता है, वो तो काम ही नहीं कर पाएगा वहां बच्चा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सीरियस है अपने कमांड सेंटर को लेके, और हमारा प्रायोरिटी आज भी ऑनलाइन है। ऑनलाइन में आज भी हम जो है वो पूरी शिद्दत से काम करेंगे हम, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कोई कोताही बरतेंगे। और एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि ऑनलाइन में अभी एक नई चीज़ और आने वाली ऑनलाइन के अंदर, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले मैचेस, कि आपको एनालाइज करते रहेंगे, आपके पीछे ऐप आपके पीछे लगा रहेगा, वो भी काम कर। तो अभी AI को भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है, काम चल रहा है उस पर, और बहुत जल्दी 1-2 महीने के अंदर हम उसको लॉन्च भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी मेरा मुद्दा ये कमांड सेंटर जो है उसमें बहुत, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं उसमें कमांड सेंटर में, ठीक है। और अभी कमांड सेंटर में हर एक बच्चा जो रजिस्टर किया है ना उसकी जूम मीटिंग होगी 1-to-1, ठीक है, मतलब वन या स्मॉल ग्रुप में मीटिंग होगी मेरे साथ में, जिसमें कि मैं आप बताऊंगा आपको कि भाई क्या वहां क्या आपको करना है, किन चीजों का ध्यान रखें आप, ठीक है। तो अभी जो है वो 1 वीक का वक्त और दीजिए, क्योंकि 1 वीक में बहुत व्यस्त हो भी वो ऑर्गेनाइज्ड पॉपुलेशन चैप्टर चलेगा, इकोसिस्टम, मतलब बहुत सारी रिकॉर्डिंग मुझे करनी पड़ रही है। और चूंकि क्या सिलेबस में छोटे छोटे फेयर बदल हुए हैं ना, इसके चलते रिकॉर्डिंग जो है मुझे थोड़ी सी बहुत अलर्ट रह के करनी पड़ती है मेरी टीम को, ठीक है। अब मुद्दा यह है कि बायोमेट्रिक्स जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए अपनी क्वालिटी सबसे बड़ा कमिटमेंट है, क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हम। तो मैं आपको बता था कि वो बच्चा मिला, उसने मुझे बताया कि सर मैं आपसे पढ़ा हूँ, तो मन को बड़ा अच्छा लगा। और जब मैं बाहर निकलते निकलते मैंने उसको बोला कि भाई देखो अगली बार तो मुझे मिलोगे ना तो मैं तुमसे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के बारे में, तुमसे ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में, ठीक है ना, तुमसे मैं इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन करूंगा, तो पढ़कर आना अगली बार, ठीक है, एनाटॉमी के क्वेश्चन करूंगा। फर्स्ट ईयर में बच्चा वो भी, ठीक है। खैर ये एक अलग बात हुई। अब एक छोटी सी आज की छोटी सी स्टोरी, संडे स्टोरी की बात करें। अब एक चूहा था और उसको क्या हुआ कि चूहा जो है वो खाने की तलाश में कहीं बाहर निकला होगा, उसे कांच का एक बड़ा सा जार मिल गया, कांच का एक बड़ा सा जार मिल गया और जार में ऊपर तक अनाज भरा हुआ था। चूहा बड़ा खुश कि उसने कहा मैं किसी दोस्त को बताऊंगा भी नहीं अब मैं कि मुझे बड़ा सा जार मिल गया है, जार में ऊपर तक अनाज भरा हुआ है, अब तो मैं यहीं रहूंगा, यहीं खाऊंगा। तो वो चूहा जो है उस जार के अंदर जो है उसने अपना अनाज खाना शुरू किया और कंफर्टेबल था, बढ़िया, कोई समस्या नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया अनाज मिल रहा था बड़े से कांच के जार में। उसने अनाज को खाना शुरू किया, समय बीतता चला गया, वो अनाज खाता चला गया, धीमे धीमे अनाज का लेवल नीचे आता चला गया और एक दिन ऐसा आया कि अनाज पूरा खत्म हो गया और वो चूहा जार से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। चूंकि बड़ा सा ऊंचा जार था, कूद कूद के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जार से बाहर नहीं निकल पाया, जार में फंस गया, भूखा रह रहा था। अब उसके पास कोई उम्मीद की किरण नहीं थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि अब कैसे इस जार में मैं, भाई होगा कोई सुनसान घर यहाँ पे एक जार में अनाज भर के रखा होगा, वो चला गया। अब वो फंस चुका था चूहा, बहुत कोशिश किया बाहर नहीं निकल पाया और एक दिन मर गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि वॉट एवर गिव्स यू कंफर्ट राइट नाउ, आज तुमको जो भी कंफर्ट दे रहा है वो तुमको बड़ा अच्छा लगेगा,
लेकिन मैं कहता हूं वो उस चूहे के समान है कि जार ऊपर तक भरा हुआ था, अनाज था, कंफर्टेबल था, वहीं रहो वहीं खाओ, वहीं रहो वहीं खाओ, वहीं करो वहीं गाओ, कंफर्ट जोन में वो चूहा रह रहा था। और एक दिन ऐसा आया जैसे वो कंफर्ट हटा वो मर गया, बाहर निकलने की उम्मीद खत्म थी, उसका नेचुरल स्किल खत्म हो चुका था। यदि वही चूहा जो है वो थोड़ा सा घूमता, जंगल में जाता, अनाज ढूंढता, खाता, आजाद रहता वो, और उसको ऐसी मौत नहीं मरना पड़ता। बात सिर्फ इतनी सी है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो आपको अपने सपनों को मरते हुए देखना पड़ेगा। मैं एकदम ब्लंट बोल रहा हूं, यदि तुम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो आपको अपने सपने को मरते हुए देखना पड़ेगा। क्या आप चाहते हो कि आपके ड्रीम, आपके सपने मर जाए सामने आपके? नहीं, इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे पूरे परिवार में इस समय मेरे फैमिली में मेरे दोनों बच्चे में और हम सब लोगों को जो है बॉम्बे से भोपाल शिफ्ट होना पड़ रहा है, और हम सब लोग बहुत चिंतित हैं इसको लेकर, क्योंकि बॉम्बे का कल्चर डिफरेंट है, भोपाल डिफरेंट है। भोपाल छोटा शहर है जहाँ पे हम बहुत रहे हैं, लेकिन बॉम्बे हमारे रग रग में आ चुका है बॉम्बे। लेकिन वही है ना कि हमको भी कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना है। मेरे बड़े बेटे को भी पढ़ाई करना है, मुझे भी जो है वो एफर्ट करना है, मुझे भी कमांड सेंटर के हर एक बच्चे को अपने बेटे और बेटी के समान समझना है। मैं इतना मान लूँगा हर एक बच्चा, मतलब आपके कमांड सेंटर में आपको प्राइमरी केयर फैसिलिटी होगी, डॉक्टर आएगा उसमें कमांड सेंटर में डॉक्टर आएगा, जो आपको कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर आपको देखेगा। एक पर्टिकुलर टाइम होगा डॉक्टर आएगा आपको समस्या, आपके कमांड सेंटर में आपके लोकल गार्जियन होंगे, आपके कमांड सेंटर में आप सब लोगों से के लिए काउंसलिंग फैसिलिटी, मतलब पर्सनल काउंसलिंग होगी कोई समस्या के लिए। आपके कमांड सेंटर में आपका एक्सेस सीधा मेरे तक होगा। आपके कमांड सेंटर में आपके लिए हर टीचर जो है वो, जब कुछ नहीं बनेगा तो देयर इज अ टीम ऑफ टीचर जो तुमको बैठा के बोलेगी बेटा बाकी सब बच्चे जा रहे हैं, तू एक काम कर, तो एक घंटा मेरे साथ और बैठ यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है। हर बच्चा कमांड सेंटर का मेरा बेटे और बेटी के समान रहेगा। अब मैं इसके ऊपर क्या बोलूँ, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, देयर इज अ फीस। फीस क्यों है बेटा? क्योंकि वो उसको ऑपरेट करने की कॉस्ट है। वो आप समझिए इस बात को, मैं सब कुछ फ्री कर दूंगा तो चीज चल ही नहीं पाएगी वो, इसलिए फीस है वो। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ आपसे, यदि आप डिजर्विंग है, आप अच्छा कर रहे हैं, आपने बढ़िया किया, आप अच्छी रैंक लेके आते हैं, तो जो फीस आप कमांड सेंटर को दे रहे हैं वो हम लोग उसका एक पर्टिकुलर कंपोनेंट स्कॉलरशिप के रूप में आपको बाद में जो है एमबीबीएस के समय भी आपके लिए हम हेल्प कर पाएंगे। देयर शुड बी मैरिट, कुछ टर्म्स कंडीशंस की रहेंगे। जैसे हम तकरीबन इस समय, कल भारती ने बताया कि 89 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हम लोग मेडिकल कॉलेज की फीस भर रहे हैं, तो हमारे ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो हम लोग वो जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं ये कि कोई बच्चा जो है जो सपने लेके आए, हाँ ये जरूर देख लेना बेटा कि आप उसको एक साल पूरा, जैसे 9 महीने लिखा है, 9 महीने पूरा नहीं है वो, जैसे 15 फरवरी को कोर्स यदि पूरा होता है तो फरवरी के बाद आप यदि हॉस्टल में रुकते हैं मार्च अप्रैल मई तक, मैं तो बोलूंगा मई तक रुक, एग्जाम तक रुकिए, एग्जाम के तक रुकिए, और ताकि कम से कम आपका कोई डिफोकस ना हो। आप तो उस दौरान आपके टेस्ट चल रहे होंगे, आपके जो डाउट सेशंस हो रहे होंगे, आप जो पढ़ रहे हो, टास्क दिए जाएंगे आपको, क्लासेस बंद हो जाएंगी, वो क्लासेस बंद हो जाएंगी, लेकिन आपका टच नहीं, ऑर्गेनाइजेशन तो आपका है भाई। कमांड सेंटर को कौन ऑन करता है? तुम ऑन करते हो, तुम्हारा कमांड सेंटर है, तुम आओगे वहां पे बैठोगे, अपना अपना पढ़ोगे, डाउट क्लियर करोगे, सब चीजों में तुम्हारी बायोमेट्रिक्स हेल्प करेगा। तो ये बस सोचो उसको लेके ये सोचो कि हम कोई, देखो मैं कहता हूँ, मानता हूँ कोटा में, दिल्ली में, पटना में, बहुत जगह बहुत सारी कोचिंगें हैं, बहुत नाम है, बहुत बड़े बड़े विज्ञापन है उनके, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, पर कमांड सेंटर इज मोर देन ए कोचिंग क्लास। ये एक घर है जहां पर बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जहां पर टीचर, टाइमिंग कंफर्टेबल, बिल्कुल टाइमिंग ऐसा अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग वैसे टाइमिंग नहीं होंगे, जो भारत सरकार के नए नियम है उसके अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट चल रहा होगा वो। तो कोशिश तो पूरी करेंगे बेटा हम कि हम बेहतर दे सके हम, ठीक है। और हम चाहेंगे आप हमारा साथ दें, जो डिसिप्लिन जो नियम हम बनाएंगे उन नियमों को फॉलो करें आप, चाहे वो हॉस्टल से जुड़े हुए नियम हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए नियम हो, जिससे कि आप अपना रिजल्ट लेके जा सके, ठीक है। और हम पूरे, ऐसा नहीं है कि निकलने के बाद आपका हमारा कोई संबंध खत्म हो गया, निकलने के बाद भी आप कमांड सेंटर का इंपॉर्टेंट हिस्सा बने रहेंगे आप हमारे, क्योंकि ये तो ट्रेनिंग है, समझ लीजिए ये कोचिंग नहीं है, ट्रेनिंग है, इट्स अ ट्रेनिंग। आपको आपके आपको यदि मुझे लगता है कि आप वीक है, आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट किए जाएंगे, फिर भी लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, तो आपको करियर में सही गाइडेंस दिया जाएगा, भैया तुम्हें करना क्या चाहिए, वी विल प्लान योर करियर कि तुमको बेटा ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे को भरमा के फीस ले ली जाए और उसके बाद उसको बेचारा हैरान परेशान घूमता रहे। जिम्मेदारी बड़ी है और उसे उठाने के लिए
संजय सर, अमर सर, अमित शुक्ला सर, मैं, चिन्मय सर, शैल मैडम, जितने टीचर है। शैल मैडम सोचो, अहमदाबाद से वो पढ़ाने के लिए भोपाल आएंगी एक वीक, उनका मतलब उनको तो उनका तो परिवार है पूरा, मेरी मेरी पूरी फैमिली को वहाँ शिफ्ट होना पड़ा है। और इम्पोर्टेंट बात है कि मेरा बेटा भी पढ़ेगा, जब आप पढ़ेंगे मेरा बेटा ही पढ़ेगा, आपके समान ही क्लास से पढ़ेगा, सब कुछ आपके समान रहेगा। तो मतलब मुझे, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप मेरे बच्चे, आप भी मेरे बच्चे के समान रहेंगे वहाँ पे। और जिसको थोड़ा भी डाउट है बिल्कुल ना आए, जिसको मुझ पर एज ए पेरेंट गार्जियन यकीन है वो बच्चा वहां पे आए। देखो बेटा, हम चमत्कार करते हैं, हम जो है वो मिट्टी में से सोना निकाल कर दिखाएंगे। मैं ये नहीं बोलता कि तुम मिट्टी हो, मैं बोलता हूं कि सिर्फ शेप देने की जरूरत है। हर बच्चा जो वहां आ रहा है उसके अंदर एक आग होगी, अग्नि होगी इसके अंदर, कि मुझे कुछ कर गुजरना है। ठीक है, वो हिस्सा रहेगा सिस्टम का। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।